तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो अभी आया है मेरे वर्कशॉप पे यमहा क्रक्स बाइक है, काफ़ी ओल्ड मॉडल बाइक है यमहा क्रक्स ये। और ये बाइक समथिंग 1 ईयर से रखा हुआ था गैरेज में या पार्किंग में, घर पे रखा हुआ था। उसके बाद इस बाइक को टोचन करके धक्का मार के मेरे वर्कशॉप तक लाया है कस्टमर ने, और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। स्टार्ट किस प्रॉब्लम से नहीं हो रहा, टोटल स्टेप आपको बताएंगे। इस बाइक में ना ही करेंट के लेकर इशू है, ना ही कोई ऐसा इशू या इरर है। बाइक रखा रखा इस बाइक के कार्बोरेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग गया है, कचरा लग गया। आपको टोटल स्टेप बतलाएंगे, उस टाइम कार्बोरेटर चेंज करना बेस्ट रहेगा या फिर कार्बोरेटर को क्लीन करना बेस्ट रहेगा, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पेंट खजोली को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज से वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। देखिए बाइक का कार्बोरेटर को हमने यहाँ से ओपन कर लिए हैं। बाइक में करंट भी प्रॉपर आ रहा है, स्पार्क प्लग सही है। सिर्फ और सिर्फ बाइक में कार्बोरेटर जाम हो गया था। और यहाँ पर देखिए कार्बोरेटर को हमने ओपन कर लिए, और कार्बोरेटर को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट हम कार्बोरेटर को ओपन किए। और यहाँ पर देखिए कार्बोरेटर के अंदर कितना ज़्यादा रस्ट लगा है, कचरा लगा इसके अंदर। जैसे एक तरह से बोलते हैं ना नूनिया लग जाता है, उसी तरह से इसके अंदर देख रहे हैं नूनिया लग गया है, कितना ज़्यादा कार्बन जमा है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले देखिए फ्लूट पिन है, फ्लूट पिन जाम हो गया है। उसके बाद इस बाइक में स्लाइड पिन यह जाम हो गया था, इसको काफ़ी मुश्किल के बाद स्लाइड पिन को हम बाहर निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले देखिए स्लो जेड, फास्ट जेड, हर एक जेड इसका जाम हो गया है, क्योंकि आप जेड सबका कंडीशन देख रहे हैं बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। अब इस कार्बोरेटर को भी हम प्रॉपर अच्छा से क्लीन भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस कार्बोरेटर को हम प्रॉपर अच्छा से क्लीन भी कर देंगे तो बाइक में माइलेज का लेकर प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद बार बार ओवरफ्लो करने का प्रॉब्लम आएगा। इसके प्रॉब्लम से बेस्ट रहेगा कि बाइक में न्यू कार्बोरेटर ही असेंबल कर दे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। इंस्टॉल कर देंगे तो काफ़ी हार्डफुल रहेगा, क्योंकि अगर इस कार्बोरेटर को हम रिपेयर करके अभी फिट करेंगे तो उस टाइम बाइक में बार बार ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तरफ का ढुलकी जो है ये भी टूट चुका है, जो कि फ्यूल को स्टॉप करके रखते हैं, पेट्रोल को रोक करके यहाँ पे रखते हैं। फ्लूट पिन इसका टोटल पार्ट इसका जाम हो गया, एक एक करके जाम हो गया। तो ऐसा प्रॉब्लम आया है बाइक में, जब इस बाइक पार्किंग में लगा हुआ था उस टाइम इस बाइक में थोड़ा भी पेट्रोल नहीं था। अगर कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल रहता तो उस टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता, बिल्कुल ड्राई होने के प्रॉब्लम से ये नौबत आ गया बाइक का कार्बोरेटर का। अभी हम इस यमहा क्रक्स बाइक का न्यू कार्बोरेटर मंगाए हैं। देखिए ये यमहा का क्रक्स बाइक का जेन्युइन कार्बोरेटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोरेटर 5KA कार्बोरेटर, और यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे लिखे कार्बोरेटर 5KA3। और अगर ऊपर में आप देख रहे हैं ये पार्ट नंबर हो गया, और MRP का बात करें 2370 रुपया प्राइस है इसका, वो भी 2021 का ही पार्किंग, अभी 2023 आ गया है, क्योंकि बाइक भी काफ़ी पुराना है। मुझे लग रहा है कि बाइक का जो 15-20 साल हो गया होगा। चलिए अब हम इस कार्बोरेटर को ओपन करके यहाँ पे चेकअप करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यही है यमहा क्रक्स बाइक का, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू कार्बोरेटर है, और कार्बोरेटर देखिए प्रॉपर सही है, इसके अंदर हर एक कल्प पुर्जा बिल्कुल न्यू है। अगर न्यू कार्बोरेटर डालने से बाइक में पिकअप सही रहेगा, माइलेज सही रहेगा, और बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सही रहेगा। उसी की जगह अगर हम इस कार्बोरेटर को प्रॉपर रिपेयर करके फिट कर देते तो बाइक में मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाता, बार बार ओवरफ्लो होता, फिर उसके बाद प्रॉपर पिकअप भी नहीं लेता। इन सबसे बेहतर रहेगा कि बाइक में न्यू कार्बोरेटर डाल दें, थोड़ा बजट एक बार ज़्यादा लगेगा लेकिन बाइक में माइलेज के लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इस कार्बोरेटर को रिपेयर करके लगा तो बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम आता, तो फिर माइलेज कम नहीं देता, तो बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता, तो फिर बात पड़ जाता बराबर ही हो जाता, पेट्रोल में पैसा लगता बार बार। लेकिन यहाँ एक ही बार थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि कार्बोरेटर अगर नया लग जाए तो बाइक में ऑल इन वन प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, यानी कि बाइक प्रॉपर स्टार्ट है। सिर्फ और सिर्फ बाइक में कार्बोरेटर के लेकर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया था। आप लोगों की बाइक में अगर बार बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मिसिंग कर रहा है, बाइक माइलेज नहीं दे रहा है, उस टाइम आप कार्बोरेटर को एक बार रिपेयर करके चेकअप कीजिए। अगर रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर कीजिए, अन्यथा बाइक में न्यू कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दीजिए। ये इसका चौक मिल रहा है, देख रहे हैं ये इसका चौक है, ये चौक लग गया, अभी ऊपर करेंगे तो चौक हट जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पेंट खजोली को सब्सक्राइब कर। देखिए यमहा क्रक्स बाइक में हमने कार्बोरेटर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, और यहाँ पर देखिए कार्बोरेटर पैकिंग जो हमने डबल डाला है, क्योंकि इसका जो हाउस पाइप जो है ये पाइप छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने डबल पैकिंग डाल करके इसको कार्बोरेटर को थोड़ा पीछे कर दिया। अगर सिंगल पैकिंग पर फिट कर रहे थे फिर ये जो हाउस पाइप का यहाँ पर प्रॉपर आ नहीं रहा था, ये बाहर निकल रहा था। अगर इसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो फिर जो भी यहाँ से कचरा जाएगा वो डायरेक्ट कचरा बाहर से ही ले लेगा, फिर एयर फिल्टर लगाने का कोई फायदा भी नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डबल पैकिंग डाल दिया। अगर ये हाउस पाइप नया मिल जाता फिर हम हाउस पाइप भी चेंज कर देते, क्योंकि हाउस पाइप मुझे नहीं मिला। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्लैंप फिट नहीं है, इसमें हम नया क्लैंप डालेंगे, कोई दूसरा क्लैंप दूसरे बाइक का क्लैंप ढूंढ करके इसमें यहाँ पे क्लैंप फिट करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बाइक को हम स्टार्ट किए हैं, तब आप देख ले बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। चलिए आपको हम स्टार्ट करके भी यहाँ पे दिखला रहे हैं।
तो फ्रेंड देखिए बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो गया, बाइक में दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर के अंदर इस तरह से रस्ट लगने के प्रॉब्लम से बाइक स्टार्ट नहीं होता, कार्बोरेटर बिल्कुल ख़राब हो गया। कोई कस्टमर का कहना है इससे पहले बाइक माइलेज भी नहीं दे रहा था, इसलिए हमने सोचा कि कार्बोरेटर को ही चेंज कर देता, बाइक में न्यू कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दे, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बाइक माइलेज भी प्रॉपर देगा, पिकअप भी प्रॉपर लेगा। चलिए हम बाइक को ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते। देखिए बाइक में हमने कार्बोरेटर को ट्यून भी नहीं किया, क्योंकि जितना एडजस्टिंग प्रॉपर कंपनी की तरफ से होकर के आया था वो प्रॉपर एडजस्ट ही था कंपनी की तरफ से ही। कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, ये जो आप देख रहे हैं ये है बाइक का एयर और फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, और ये है बाइक का आरपीएम सेटिंग करने के लिए स्क्रू। अगर आपका बाइक, तो फ्रेंड्स अगर आपके बाइक में पुराना कार्बोरेटर लगा उस टाइम करक से बाइक आपका माइलेज नहीं दे रहा है, उस टाइम आपको फ्यूल मिक्सचर स्क्रू से आपको माइलेज को सेटिंग करना है। तब आप सोच रहे हैं कि फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को कितना राउंड ढीला करना है, इस फ्यूल मिक्सचर स्क्रू का आपको फुल टेस्ट करने के बाद 3.5 राउंड आपको ढीला कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बाइक का आपको आरपीएम को सेटिंग कर लेना है। ये जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है इसको आप फुल टाइट कर दीजिएगा, उसके बाद 3.5 राउंड इसको गिनती करके ढीला कर लीजिएगा, उस टाइम आपके बाइक का माइलेज प्रॉपर सही हो जाएगा, बिल्कुल कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।